नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। अभी तक हमने बिलासपुर का पार्ट 4 देखा था, आज हम बिलासपुर का पार्ट 5 देखेंगे। तो हमने जो बिलासपुर का 4 पार्ट देखा था, उसमें जो हमने लास्ट राजा देखा था उनका नाम था देवी चंद। जो हमारे राजा देवी चंद है उनका जो बेटा है, उनके बेटे का नाम है महान चंद। और ये बिलासपुर के वो राजा हैं महान चंद जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब हमने चंबा पढ़ा, जब हमने सिरमौर पढ़ा, ये वही राजा हैं जिन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में संसार चंद के लिए तबाही मचा दी थी। वो राजा ये महान चंद हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो हिमाचल प्रदेश का बोला जाए या तो कांगड़ा का बोला जाए, सबसे शक्तिशाली राजा को इन्होंने धूल चटा दी थी महान चंद ने। किस कारण? अपनी राजनीति के कारण। देखते हैं किस तरह से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो लास्ट राजा हमने देखे थे उन राजा का नाम था देवी चंद। और ये जो राजा देवी चंद है, इनकी एक वाइफ थी, वो कटोच राजवंश की थी। देखिए, कटोच राजवंश की एक उनकी बीवी थी, या कटोच राजवंश बोल दीजिए या कटोच राजकुमारी बोल दीजिए। और जो इनकी बीवी का नाम था वो था नागर देवी। देवीचंद और नागर देवी से एक पुत्र पैदा होता है, उस पुत्र का नाम ये रखते हैं महानचंद। नाम भी इनका सही में रखा महानचंद, क्योंकि उन्होंने काम ही महान किया। इसके बाद देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात तो जो देवीचंद की जो मृत्यु हो जाती है, वो जल्द ही मर जाते हैं। उसके बाद महानचंद राजा बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो होता था कि अगर पिता राजा तो बेटा राजा, वो मैटर नहीं करता कि वो जो बेटा है वो उस काबिल है या नहीं। लेकिन उससे पहले जब हम प्राचीन भारत में पढ़ते थे, तो प्राचीन भारत में हमने जाना कि उस समय जो राजा बनते थे वो बनते थे उनकी काबिलियत के हिसाब से, कि जो कितना काबिल होगा वही राजा बनेगा, है ना। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होता था। इस समय अगर पिता राजा तो बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, अगर उसकी कोई संतान नहीं तो चाचे का बेटा राजा, इस तरह से परंपरा चलती रहती थी। तो जो महान चंद है वो छोटी उम्र में ही राजा बन जाते हैं। सबसे पहली बात, छोटी उम्र में राजा बने। ये क्वेश्चन नहीं आया कि छोटी उम्र में, लेकिन समझा रहा हूँ। फिर देखिए इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, महान चंद बिलासपुर के वो राजा हैं जो सबसे लंबे समय की अवधि तक राजा रहते हैं। नंबर वन पॉइंट लिखिए, महान चंद 46 ईयर्स तक राजा रहे। काफी बड़ी बात है, 46 ईयर्स तक राजा रहे महानचंद की बात कर रहा हूँ। इसे मैं रफ कर देता हूँ, महानचंद की बात बता रहा हूँ। महानचंद जो है 46 वर्षों तक राजा रहते हैं। इनके समय में जैसे कोई राजा बनता था तो एक वजीर नियुक्त किया जाता था, क्योंकि अब आपको मैं बता ही रहा हूँ क्योंकि वे काफी छोटी उम्र के राजा बने थे, तो इनके लिए एक वजीर नियुक्त किया गया था। वो जो वजीर नियुक्त किया गया था, वजीरों का काम होता था कि कार्यभार को संभाला जाए। तो इनके समय में जो वजीर नियुक्त किया गया था, लिखिए, जो महान चंद के वजीर थे उनका नाम था रामू। रामू वजीर, इनके वजीर का नाम था रामू। इनके वजीर का नाम था रामू वजीर। और इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ये जो रामू वजीर है ये किस परिवार से संबंधित थे। तो ये थे जरोल परिवार से। देखिए, रामू वजीर दरोल परिवार से, रामू वजीर दरोल परिवार से संबंधित थे। अब देखिए, ये तो बता दिया मैंने आपको वो फैक्ट जो मैं नहीं पता थे। अब मैं आपको बताता हूं कि महाजन ने काम क्या किया। थोड़ा सा इतिहास पिछला देखते हैं। देखिए, जो कांगड़ा था, कांगड़ा को देख रहे हैं हम अभी, यहीं पे फिर से लिंक कर दूंगा आपको इसी पे। हमने भारत में पढ़ा था कि भारत में आपके टोटल 16 महाजनपद थे, मतलब कि 16 ऐसी जगह थी जो काफी ज्यादा जरूरी थी। अब महाजनपदों में भी जनपद थे, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे महाजनपद, महाजनपद में भी आपके जनपद थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे महाद्वीपों में, जैसे कॉन्टिनेंट में आपके सब कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट होते हैं,
जैसे चैप्टर में सब चैप्टर होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर होता है, उसी तरह से महाजनपद से भी छोटे क्या होते थे, जनपद होते थे। तो महाजनपद जो सबसे जरूरी महाजनपद था वो था मगध, है ना। इसी तरह से हिमाचल में आपके कुछ जनपद आते थे, महाजनपद था मगध, लेकिन जो कुछ जनपद आते थे हिमाचल में आपके चार जनपद आते थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। उनमें जो सबसे प्राचीन था ना आपका, वो था कांगड़ा, सबसे प्राचीन। क्वेश्चन आता है कई बार कि बताइए हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत, कांगड़ा रियासत। कई बार क्वेश्चन आया, कई बार कांगड़ा रियासत। उसके बाद कुलिंद और डूंगर, इस तरह से ये चार जनपद थे, ये चार जनपद थे, चार जनपद थे सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, चार ही जनपद थे। उसमें जो एक था सबसे जरूरी वो था कांगड़ा। अब हम कांगड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा महानचंद के लिए करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने इतना तगड़ा काम कर दिया है। अब देखो क्या करिए इन्होंने, कांगड़ा जो हमारा राज्य था उससे पहले ये वंश था, तो मतलब पहले हमें नहीं, राज्य नहीं सॉरी जिला था, क्योंकि देखिए पहले हमें नहीं पता था कि भारत एक देश है। पहले तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो छोटे छोटे प्रांतों में बटा था कि दक्षिण भारत अलग, उत्तर भारत अलग, जैसे मैं आपको बता रहा था बंगाल अलग, पश्चिम बंगाल अलग, मतलब गुजरात अलग, ऐसे इस तरह से छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर के राजा बोलते थे हम अपना देश बनाएंगे, हैदराबाद वाले बोलते थे हम अपने कुछ करेंगे, इस तरह से। तो इतना पता नहीं था, लेकिन जब पता चलता है जब कांगड़ा धीरे धीरे ग्रो करता है, कांगड़ा बोले या त्रिगर्त बोले, त्रिगर्त इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कांगड़ा में जो है तीन नदियों का संगम मिलता है, तीन गर्त मतलब तीन नदियों का संगम, त्रिगर्त भी आता है कई बार कि कौन सी सबसे पुरानी रियासत है, कांगड़ा आएगा या तो त्रिगर्त आएगा। अब पूरे के कांगड़ा के इतिहास में जो सबसे शक्तिशाली राजा रहे, उन राजा का नाम था संसारचंद, उन राजा का नाम था दोस्तों संसारचंद। ये राजा इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रखी थी। ये जिस भी राजा कहीं भी जाता था वहां पर आक्रमण करता था और वहां का जो एरिया था उसे अपने कब्जे में ले लेता था। तो इसी तरह से ये करता रहा, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। इसकी सबसे बड़ी भूल ये रही कि इसने जो बिलासपुर के राजा जो हम अभी देख रहे हैं महानचंद, इनके समय में इन्होंने आक्रमण कर दिया, महानचंद पर आक्रमण कर दिया, और यही भूल संसारचंद की सबसे बड़ी भूल बनी। अब देखेंगे किस कारण बनी। फिर से आ जाते हैं महानचंद पर, जो बिलासपुर के राजा देख रहे हैं महानचंद। अब देखिए महानचंद क्या करेंगे, महानचंद जाएंगे। अब जो हमारी ज्वालामुखी की संधि हुई है वो भी है 1809 में, उससे पहले की बात। इससे पहले क्या होता है, जो गोरखा थे उन्होंने अपना काफी ज्यादा होल्ड बना रखा था, मतलब गोरख के पास इतनी ताकत तो थी कि वो हिमाचल के या किसी छोटे जनपद के राज्यों को आसानी से जीत सके। तो महानचंद क्या करते हैं, महानचंद एक प्लानिंग करते हैं कि देखिए एक बात है, अब जो संसारचंद है उन्होंने बहुत सभी को मार रहे हैं, हम एक प्लानिंग करते हैं कि हम गोरखों को बुलाते हैं, गोरखों के द्वारा हम संसारचंद को हराते हैं, और हम जितने भी पहाड़ी राज्य हैं हम सारे इकट्ठे मिलकर संसारचंद का विरोध करते हैं, तो क्या पता संसारचंद हार जाए। ये प्लानिंग करता है महानचंद, महानचंद की ये साजिश थी। तो महानचंद क्या करता है, महानचंद जाता है गोरखों के पास जाता है। गोरखे कहाँ से आए, सबसे पहली बात गोरखे है नेपाल से, ये गोरखे होते हैं नेपाल में, क्योंकि आपने देखा होगा जो भारत का विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो कहाँ पे है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। और वहां पे देखा होगा आपने कि कई बार क्वेश्चन बनता है कि बताइए कॉमन क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर पहले सबसे पहले कौन चढ़ा, वो चढ़ा होगा एडमंड हिलेरी, लेकिन उनके साथ आता है शेरपा भी आते हैं, शेरपा। ये जो शेरपा होते हैं ना ये गोरखे ही होते हैं, गोरखा शेरपे, इनको शेरपा बोलते हैं, ठीक है। तो गोरखे नेपाल से आए, अब नेपाल के साथ ही भारत लगता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहीं पे आपका नेपाल के साथ लगता है, भारत के साथ। तो यहां से आए, अब क्या होता है कि महानचंद गोरखों को बोलता है कि गोरखो जी देखो, गोरखों से भी एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति का नाम था अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा को ये एक बात कहता है कि देखिए जो संसारचंद है कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा, उसने पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रखी है,
आपने मेरा एक फेवर करना है कि आपने जो संसार चंद को हरा देना है। तो बोलते हैं चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या बनता है, किस तरह से करेंगे। तो होती है इनके बात, बातचीत करते हैं। महाराजन क्या करता है, कुछ पहाड़ी राज्य बुला देता है, पहाड़ी राज्य अपने साथ। पहाड़ी राज्य भी बोलते हैं कि जी बिल्कुल संसार चंद को तो हराना पड़ेगा, बहुत तबाही मचा रखी है। तो अमर सिंह थापा जो है संसार चंद को हरा देता है। अमर सिंह थापा संसार चंद, अब संसार चंद तो बेचारा हार गया। अब संसार चंद को ये कैद कर लेता है, संसार चंद को कैद कर लेता है और संसार चंद को रख देता है ये कांगड़ा जिले में, कांगड़ा किले में रख देता है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए अमर सिंह थापा ने संसार चंद को कहां पर हराया? तो हराया महल मोरियों में। कहां पे हराया दोस्तों? महल मोरियों। और महल मोरियों कहां पे है? हमीरपुर में। अगर आप हिमाचल प्रदेश का मैप देख रहे हो साथ साथ में, तो एक चीज नोटिस करना कि जो आपका बिलासपुर है उसी के साथ आपका हमीरपुर है। बिलासपुर के साथ ही आपका हमीरपुर लगता है, बिलासपुर के साथ ही आपका हमीरपुर लगता है। तो बिलासपुर के राजा महारचंद, लेकिन ये चीजें बाद की हैं, हमें नहीं पता कि अभी ये बिलासपुर में हो रहा है या हमीरपुर में हो रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं पता, क्योंकि राज्य तो उस समय नहीं बने थे। ये तो कब की बात है, ये तो जिले तो नहीं बने थे, ये तो कब, कितनी पुरानी बात है, 1809 की बात है। अब जो बिलासपुर का गठन होता है वो होता है बाद में जाके, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का गठन होता है। उससे पहले हमें क्या पता कि बिलासपुर क्या, मंडी क्या, हमें नहीं पता है कुछ भी। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये राज्य हैं। तो अब तो हम बताते हैं महल मोरियों, क्या पता उस समय महल मोरियों बिलासपुर वाले क्षेत्र में ही आता हो, बाद में इनका अलग अलग करके किया गया हो। तो इस तरह से जो है महाराजचंद संसार चंद का क्या कर देते हैं, चैप्टर क्लोज। तो इस कारण जो है महाराजचंद काफी ज्यादा जरूरी राजा बन जाते हैं। अब लिखिए महाराजचंद के बारे में, जो स्टोरी समझ आ गई दोस्तों, लग गया पता। अब देखो, अब लिखते हैं हम जहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से लिखिए। सबसे लंबे समय तक राजा रहे महाराजचंद, नंबर वन पॉइंट, लंबे समय तक राजा रहे। नंबर टू, रामू वजीर। नंबर थ्री, संसार चंद को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसार चंद को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका। संसार चंद को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका। अगर फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, फिर से आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ संसार चंद को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए महाराजचंद के बारे में। हाँ, एक रीजन और भी बन सकता है, क्योंकि जब आक्रमण किया था संसार चंद ने, तो संसार चंद ने जो था वहां पे एक किला बनाया था, उस किले का नाम लिखिए, झंझियाधार पर एक किला बनाया, छातीपुर किला। झंझियाधार पर छातीपुर किले का निर्माण किया। आक्रमण करते हैं संसार चंद जी, और जो एक धार है बिलासपुर में झांझिया धार, वहां पर एक किले का निर्माण कर देते हैं, छातीपुर किले का निर्माण। अब देखो क्वेश्चन यहां से जो मर्जी आए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन आएगा कि बताइए बिलासपुर में छातीपुर किले का निर्माण किस राजा के कार्यकाल में हुआ, किस राजा ने बनाया, संसार चंद ने बनाया, और संसार चंद ने बनाया और बनाए इसके कार्यकाल में महाराजचंद के कार्यकाल, ये सारे के सारे फैक्ट आपके महाराजचंद से आएंगे। नेक्स्ट राजा लिखते हैं, नेक्स्ट राजा पैदा हुआ महाराजचंद के बारे में यही था। ये एक पॉइंट और लिख लेना इसके बाद कि गोरखों की सहायता से संसार चंद को हराया गया। गोरखों की सहायता से जो है संसार चंद का आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है। और इसके बाद भी काफी चीजें होती हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। 1809 में ज्वालामुखी की संधि होती है, जिसमें संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह को बुलाते हैं कि आओ मुझे बचा लो,
महाराजा रणजीत सिंह उन्हें बचाते हैं, फिर गोरखे बोलते हैं हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज बोलते हैं कि आप जाओ, फिर आपकी सुगौली की संधि होती है 1815-16 के आसपास, फिर गोरखों को वो भेज देते हैं नेपाल, फिर वहाँ पे अंग्रेज काम करने लग जाते हैं, इस तरह से चलता रहता है। वो हम किसी और दिन देख लेंगे, अभी हम बिलासपुर कर रहे हैं तो वहीं पे आ जाते हैं। अब जो हमारे इसके बाद जो हमारे अगले राजा हैं, उन राजा का नाम है खड़गचंद। उन राजा के बारे में लिखिए, खड़गचंद के बारे में, नाम इतना जबरदस्त है खड़गचंद, तो यहीं से इस चीज को याद रखिए, ये जो राजा आपके खड़गचंद रहे हैं, बिलासपुर में इनके कार्यकाल को कहा गया है कालायुग, क्योंकि ये राजा इतने अच्छे नहीं थे। खड़गचंद जो राजा थे, खड़गचंद बिलासपुर में इनके कार्यकाल को कहा गया है कालायुग, कालायुग कहा गया है इनके कार्यकाल को। ये जो खड़गचंद थे, इनका एक बेटा था, उनका नाम था नरपतचंद, लेकिन उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। इनसे यही क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि देखो मैं आपको वही राजा करवाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो राजा, अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जब से बिलासपुर की स्थापना हुई, अगर हम एक एक राजा पढ़ेंगे तो राजा बन जाएंगे कम से कम 1000 से भी ऊपर, क्योंकि एक व्यक्ति कितने साल जीता है, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम मिनिमम 70-80। अब हम कब से पढ़ रहे हैं बिलासपुर, हमने आना है 1947 तक, तो कम से कम तो 100 तो राजा हो ही जाएंगे, 100-200, इतने नहीं पढ़ने दोस्तों। आपने चीज़ वही पढ़नी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हम एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे वही चीज़ जो पेपर से आएगी, जहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो खड़गचंद के समय को क्या कहा जाता है, कालायुग कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे काफ़ी अच्छे। अब क्वेश्चन जो मर्जी आया, आपको क्वेश्चन आ गया उस राजा के बारे में बताओ जिसके युग को कालायुग कहा गया और वो राजा जो था अपनी प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, तो खड़गचंद। लेकिन नेक्स्ट राजा के बारे में, अब इनका पुत्र जो है राजा बनता है, उनका नाम है हीराचंद। नरपत जो वो मर जाते हैं जल्दी, अब इनका पुत्र बनता है, पौत्र सॉरी, इनका पौत्र बनता है हीराचंद, क्योंकि जो इनका बेटा था नरपत चंद वो जल्द ही मर जाते हैं। जल्द तो नहीं मरेंगे, बेटा हुआ तो थोड़े समय बाद मरे होंगे, लेकिन कुछ जरूरी नहीं किया तभी उनको जल्दी मार दिया हीराचंद। अब हीराचंद से जो संबंधित प्रश्न बनता है, ये बनता है कि हीराचंद वो राजा थे बिलासपुर के जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ है उसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। अगर आप 1857 की रिवॉल्ट के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हीराचंद वो राजा हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। आपको ये भी श्योरिटी देता हूं, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा आपको, यहां सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राजा, एकमात्र वो राजा जिसने 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। अगर आपके करोड़ राजा भी रहे होंगे, सिर्फ एक ही राजा ऐसा था जिसने 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है, उनका नाम है शमशेर सिंह, और वो है शिमला के, शिमला के राजा हैं शमशेर सिंह, शेर से याद रखना, शमशेर सिंह, नोट बना के लिख लीजिए, जब भी 1857 आएगा अपने दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट डालना है कि शमशेर सिंह ही एकमात्र ऐसे राजा हैं पूरे के पूरे हिमाचल में जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में या विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है। या क्वेश्चन आएगा कि उस रियासत का नाम बताइए जिस रियासत ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो आएगी बुशहर रियासत। तब कौन सी रियासत आएगी, बुशहर रियासत। अगर क्वेश्चन आएगा आपको कि उस रियासत का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बताऊंगा आपको 1857 का विद्रोह क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, तो उस रियासत का नाम आएगा बुशहर रियासत, क्योंकि बुशहर रियासत के ही थे आपके राजा शमशेर सिंह। तो क्वेश्चन जो मर्जी आए, फिर से आ जाते हैं हीराचंद के ऊपर ही। और ये जो राजा हीराचंद है,
अब इनसे भी एक जरूरी अच्छी बात बनती है, खड़क चंद काला चंद हीराचंद के कार्यकाल को कहा गया स्वर्णयुग, हीराचंद के कार्यकाल को कहा गया स्वर्णयुग। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, स्वर्णयुग कहा गया किस लिए कहा गया भाई, किस लिए कहा गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अब वो भारतीय बेचारे हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। सबसे पहले वो बोलेंगे कि अपनी सेना में दो, उन्हें उसके बाद उन्हें तोहफे दे देंगे कि जी आपने 1857 के विद्रोह में हमारा साथ दिया, हम आपको खिल्लत की उपाधि दे देंगे। खिल्लत में क्या, उन्हें वस्त्र दे देंगे, राजा खुश हो जाएगा, अंग्रेजों बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों द्वारा हमें सम्मानित किया गया इस तरह से, इसीलिए स्वर्णयुग कहा गया। और क्या याद रह जाएगा, हीराचंद के कार्यकाल को क्या कहा गया दोस्तों, स्वर्णयुग कहा गया। नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने 1874 में इन्होंने दो टैंकों का निर्माण किया है। लिखिए, जगत खाना और स्वार घाट टैंक का निर्माण, और जगत खाना और स्वार घाट टैंक का निर्माण आता है क्वेश्चन कई बार है, स्वर घाट टैंक का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है, हीराचंद के द्वारा किया गया है। लिख लिया हीराचंद। और ये राजा हीराचंद वो राजा हैं जिन्होंने बिलासपुर में भू सुधार के लिए काम किया। लिखिए, हीराचंद वो राजा हैं जिन्होंने बिलासपुर में भू सुधार मतलब भू राजस्व के लिए काम किया। बताता हूं भू राजस्व, भू राजस्व के लिए मतलब कि इन्होंने जो किसान वगैरह जो भूमि में काम कर रहे होंगे उनसे राजस्व नहीं लिया, उनसे कर नहीं लिया, इसीलिए स्वर्णयुग कहा गया, क्योंकि जो किसान थे वो खुश रहे होंगे। और स्वर्णयुग तो यही होता है कि जब आपके जो किसान होते हैं जो भारत की नींव है अगर उन्हें दुखी ना किया जाए, उन्हें दुखी ना किया जाए तो स्वर्णयुग है। तो इन्होंने भू राजस्व के लिए काम किया, यानी कि इन्होंने जो किसान थे उनसे कर नहीं लिया, तो भू राजस्व के लिए काम किसने किया, हीराचंद ने किया, क्योंकि वो हीरा थे, इस तरह से याद रख लीजिए, हीरा थे। स्वर्णयुग कहा गया, 1857 का विद्रोह, 1800 जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक का भू राजस्व के लिए, या ऐसे याद रख लीजिए कि टैंक बनाए भूमि के लिए, बात खत्म। नेक्स्ट जो अब हमारे राजा हैं उन राजा का नाम है अमरचंद, इनके बाद जो हमारे राजा आएंगे उन राजा का नाम है अमरचंद। लिखिए अमरचंद के बारे में, अमरचंद अमरचंद इनके समय बड़ी जरूरी बात हुई है, इनके समय में वो है झुग्गा आंदोलन। झुग्गा आंदोलन ये क्वेश्चन कितनी बार आया है मैं बता नहीं सकता आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम हिमाचल प्रदेश के पेपर देखोगे तो 20 से 30 बार यही क्वेश्चन आया है, 20 से 30 बार कि झुग्गा आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ, हुआ कहाँ पे, अमरचंद के कार्यकाल में हुआ, कहाँ पे हुआ, गेहड़वी स्थान पे। बताता हूँ तुम्हें, गेहड़वी स्थान पे सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन दोस्तों, झुग्गा आंदोलन, याद रख लीजिए, रट्टा मार दो इसको, झुग्गा आंदोलन, आज नहीं तो कल आएगा झुग्गा आंदोलन आएगा, अमरचंद लाएगा, देखो कैसे लाएगा। ये जो झुग्गा आंदोलन था ये बेगार प्रथा के लिए था, बेगार प्रथा, आपका HAS में एलाइड में क्वेश्चन आता है, बताइए बेगार क्या है, बताइए बेगार क्या है, बेगार आपकी वो चीज होती है जब आप किसी व्यक्ति से काम कराते हो और आप उसे पैसे नहीं देते हो, उसे बोलते हैं बेगार, मतलब मुफ्त में काम कराया जाएगा, और ऐसा काम नहीं कि जरा बोतल पकड़ाना, काम मतलब पूरा का पूरा काम, खेतों का काम या कुछ भी काम हो उसे कहा जाता है बेगार। तो ये जो था बेगार का, बेगार करवाई जाती थी, इस कारण लोगों ने क्या किया जो वहाँ पे गेहड़वी में रहते थे, मतलब ये जो फैला था मोस्ट ऑफ दी ये वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने फैलाया था झुग्गा आंदोलन, ये क्या करते थे, ये उन ब्राह्मणों ने वहां के लोगों को बोला कि देखो दोस्तों हमारा हक है, हमने अपने हक के लिए लड़ना है, अगर ये हमसे मुफ्त में काम कराएंगे तो हमने नहीं करना है काम इनका। अब राजा के पास ही शिकायत करने जाएंगे, अब राजा, अब मान लीजिए अगर हमने
नरेंद्र भाई मोदी से मिलने जाना है, अब ऐसे तो जाएंगे नहीं कि फोन करेंगे जी हम आ गए, इस तरह से हमें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उनसे छोटों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। वैसे ही राजा होते हैं, पहले आपको वजीर से, फिर वजीर से थोड़े व्यक्ति से, उससे बड़े व्यक्ति से, तब अब वो वजीर ही वैसे, वो वजीर बोलते थे कि राजा जी का आदेश है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, बेचारे वो तो डर जाते थे। तो अब उनके लिए तो एक ही ऑप्शन थी, या तो मौत या तो काम। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि देखिए अगली बार से अगर हमें कभी भी बेगार के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी झुग्गियों में आग लगा देंगे जहां पर वो रहते थे, और वो अपनी झुग्गियों के ऊपर काला झंडा लगाया करते थे, काले झंडे से दर्शाते थे। अब वो आएंगे काम करवाने के लिए आएंगे, वो अपनी झुग्गियों में ही आग लगा देंगे और वहीं पर अंदर मर जाएंगे। इस कारण राजा को डर लगने लग गया कि जब मेरा इतिहास बाद में पढ़ा जाएगा उसमें तो बड़ी बेइज्जती होगी कि राजा अमरचंद के समय में देखो ये ऐसे ऐसे काम हुए, ये कितने बेकार राजा थे। तो इस कारण इन्होंने बेकार प्रथा बंद करवा दी। क्वेश्चन आता है कई बार कि झुग्गा आंदोलन किस कारण हुआ, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। झुग्गा आंदोलन किस कारण हुआ, लग गया पता, झुग्गा आंदोलन हुआ बेकार प्रथा के कारण। किसके कार्यकाल में हुआ, अमरचंद के कार्यकाल में हुआ, कहाँ थे, बिलासपुर में झुग्गा आंदोलन। नेक्स्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताइए झुग्गा आंदोलन सबसे पहले तो गेडवी में हुआ, उसके बाद कहाँ पे हुआ, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हुआ है आपका गेडवी में, उसके बाद लिखिए पंतेड़ा में, फिर कोट में, फिर लुल्हाण में। पंतेड़ा में, क्योंकि देखो क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, हम कुछ नई चीज देख रहे हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। पंतेड़ा में, कोट में और के पंतेड़ा में, कोट में और लुल्हाण में, लुल्हाण में देखिए। इसके बाद अमरचंद के बाद जो हमारे अगले राजा हैं उन राजा का नाम है विजयचंद, लिखिए राजा विजयचंद। लास्ट के जो बिलासपुर के राजा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके समय में हर चीज जरूरी है, जो क्वेश्चन बनता ही बनता है। विजयचंद, अब देखो बचपन से सुनते हैं जी विजयचंद की नलवाड़ी मेला जो हुआ है वो विजयचंद के कार्यकाल में शुरू हुआ है, जो बिलासपुर में होता है, और ये जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मेला शुरू करवाया गया है, ये करवाया गया है W. गोल्डस्टीन के द्वारा। विजयचंद इनके समय में नलवाड़ी मेला, जो हिमाचल प्रदेश का काफी ज्यादा प्रसिद्ध मेला है, और ये राज्य स्तरीय मेला है, बताऊंगा कब ये राज्य स्तरीय मेला बना। नलवाड़ी मेला जो स्टार्ट हुआ वो 1889 में स्टार्ट हुआ नलवाड़ी मेला। जिस व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट करवाया गया उन व्यक्ति का नाम था W. गोल्डस्टीन। जिन व्यक्ति के द्वारा शुरू करवाया गया उन व्यक्ति का नाम था गोल्डस्टीन। जिस राजा के कार्यकाल में शुरू हुआ उस राजा का नाम था विजयचंद। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आएगा कि नलवाड़ी मेला किसके द्वारा शुरू करवाया गया, विजयचंद, W. गोल्डस्टीन या कुछ और राजा, शुरू करवाया गोल्डस्टीन, लेकिन करवाया किसके कार्यकाल में, विजयचंद। अब देखो पहले तो ये सिंपल मेला था, इसके बाद ये बन गया राज्य स्तरीय मेला। अब देखिए राज्य स्तरीय मेला, यह ये जो नलवाड़ी मेला है ये राज्य स्तरीय मेला जो आपका बनता है, तो ये बताया 1985 में। 1985 में जो आपका नलवाड़ी मेला है ये राज्य स्तरीय मेला बन जाता है। राज्य स्तरीय मेला बन जाता है, और इसी विजयचंद के समय में एक महल का निर्माण हुआ है, उस महल का नाम है रंग महल। रंग महल का जो निर्माण कार्य हुआ है या निर्माण कार्य समाप्त हुआ है वो विजयचंद के कार्यकाल में ही हुआ है। विजयचंद, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए जो पानी की सप्लाई शुरू हुई थी वो किस राजा के कार्यकाल में शुरू हुई, वो भी विजयचंद के कार्यकाल में। पानी की सप्लाई भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। मेरे जो भाई बंधु
मेरे पीछे बैठे हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पानी की सप्लाई। दोस्तों ये अभी मॉडर्न चल पड़ा है कि अब घर घर आपके पानी आता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको कुओं से, तालाबों से घड़े भर के पानी लाना पड़ता था। लेकिन ये राजा विजय चंद ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने पानी की सप्लाई के लिए कुछ काम किया होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन ज़रूरी बनता है ना। ज़रूरी इसीलिए बनता है, आज की डेट में भी कई गाँव में आप जाओगे तो वहाँ पर पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं है, लेकिन विजय चंद ने उस समय ये काम किया, पानी की सप्लाई के लिए काम किया विजय चंद ने। नेक्स्ट राजा लिखिए विजय चंद के बाद, विजय चंद के बाद और लिख लेते हैं। अच्छा, विजय चंद ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1914 टू 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये अंग्रेज थे बड़े चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया, इसके बाद जो हमारे राजा बचते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा, अंतिम राजा जिसे हम आज समाप्त कर देंगे, तो उन राजा का नाम है, लिखिए आनंद चंद। आनंद चंद पिछली बार सेपरेट में यहां से क्वेश्चन आया था आनंद चंद से, आनंद चंद से पिछली बार सेक्रेटरीट के क्लर्क पेपर में आपका क्वेश्चन बना था, सेक्रेटरीट में बना था या किसी और स्टेट एग्जाम में बना था, हिमाचल प्रदेश के आनंद चंद नंबर वन पॉइंट। ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, मोहनदास करमचंद गांधी के शिष्य थे, महात्मा गांधी के शिष्य थे। नंबर टू, ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम वो व्यक्ति थे जो लोकसभा के लिए निर्वाचित चुने गए थे निर्विरोध। मतलब जब इन्हें लोकसभा के लिए निर्वाचित किया गया, इन्हें सिलेक्ट किया गया, तो किसी भी व्यक्ति ने इनका विरोध नहीं किया कि ये नहीं बनेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जिन्हें लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। लोकसभा की हमारी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 552। तो लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रथम निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने गए। लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रथम निर्विरोध चुने गए नेक्स्ट लिखिए, ये बिलासपुर के अंतिम राजा रहे, ये तो जरूरी होते ही हैं, अंतिम प्रथम बिलासपुर के अंतिम राजा रहे। और लिखिए 1957 में ये हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के, 1957 में ना, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के, और 1964 में बिहार में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में 1964 में बिहार में राज्यसभा में के लिए चुने गए, ठीक है। तो ये था आपका आनंद चंद के बारे में, ये थी आपकी इंफॉर्मेशन आनंद चंद के बारे में। और इन्हीं के समय में क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को जो है ग श्रेणी का राज्य बनाया जाता है। देखो जब हम बाद में प्रशासन करेंगे तो आपको ये फैक्ट मैं बाद में याद करवाऊंगा, बिलासपुर जो था जिस समय हिमाचल प्रदेश में इसका विलय होता है, ये चीज लिखना रही, लिखनी है, लिख लीजिए 12 अक्टूबर 1948 को, 1948 को बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य, देखिए इस समय जिला है बिलासपुर, इसे ग श्रेणी का राज्य बनाया गया 12 अक्टूबर। देखिए बताता हूँ, बिलासपुर जो था अब तो जिला है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है,
लेकिन जिस समय हिमाचल प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है वो मिलता है 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो एक स्टेट बनती है। उससे पहले हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं थी, लेकिन ये 12 अक्टूबर 1948 की बात है, अभी देश आज़ाद ही हुआ है। तो 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर को एक राज्य बना दिया जाता है, लेकिन जो राज्य बनता है वो बनता है सी स्टेट। सी स्टेट का मतलब कि स्टेट को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, ये ग श्रेणी का राज्य था, जैसे ग्रेड दिए जाते हैं उसी तरह से ये था ग श्रेणी का राज्य, सी स्टेट था मतलब ये। तो फिर क्या होता है कि ये इसी तरह राज्य बना रहता है, चला रहता है, लेकिन जब ये हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है, जब ये हिमाचल प्रदेश में जिला के तौर पर जुड़ेगा है, तो वो जुड़ेगा 1 जुलाई 1954 को। हिमाचल प्रदेश में जुड़ेगा है 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में। तो इसी तरह से हमारे बिलासपुर का इतिहास समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधु तक फैलाइए। और दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। बरबरी कोचिंग।